साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की कांतारा साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। इस फिल्म ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ताबड़तोड़ कमाई की। महज 16 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब फैंस कांतारा के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सीक्वल को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। ऋषभ शेट्टी और उनकी फैमिली हाल ही में मंगलुरु गए थे, जहां पर उन्होंने भूटा कोला अटेंड किया। देव नाटक उमेश गनकडू के अनुसार ऋषभ शेट्टी ने कथित तौर पर कांतारा 2 पर काम शुरू करने से पहले स्थानीय देवता के सामने प्रार्थना करके और उनका आशीर्वाद लेने गए थे। देव नाटक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्थानीय देवता ने ऋषभ शेट्टी को कांतारा 2 के लिए अनुमति दे दी है। देव नाटक ने आगे बताया कि उन्हें मंगलुरु में पंजुरली सेवा करने को कहा गया था और जब वो देव नाटक के रूप में थे तब उन्होंने देवता से कांतारा के लिए अनुमति मांगी जो कि उन्हें मिल गई। हालांकि ऋषभ शेट्टी ने साफ कह दिया कि जब भी कांतारा 2 वो बनाएंगे तो इसकी आधिकारिक घोषणा जरूर करेंगे। उन्होंने बताया कि कांतारा की सक्सेस के बाद वो मंगलुरु गए थे, इस दौरान उनकी पूरी टीम भी साथ थी। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि ये एक इमोशनल और खूबसूरत पल था जो हमने मंदिर में बिताया। अगर सीक्वल बनता है तो इस बारे में सही समय पर ऐलान किया जाएगा। बता दें कि ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कांतारा में न सिर्फ लीड एक्टर की भूमिका निभाई है बल्कि इसकी कहानी को लिखा है और खुद इस मूवी का निर्देशन भी किया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसके अलावा ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कांतारा पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।